हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टू माय ग्रामीण ज्ञान जॉब। आज हम बताने वाले फ्रेंड्स झारखंड प्राइमरी टीचर 26001 का फी पेमेंट कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर लगे रहे। यदि न्यू है तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से पेमेंट के बारे में बताएंगे, आपको किस प्रकार पेमेंट करना है, किस माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको उसमें सर्च करना है JSSC। सर्च करने के बाद सेकंड में जो लिखा हुआ देखिए अप्लाई ऑनलाइन JSSC, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा नंबर में जो है उस पर आपको क्लिक करना होगा। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है टीचर वाला, उसमें आपको क्लिक करना होगा। उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पूरी तरह से फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और 5 डिजिट का जो पासवर्ड गया वो यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद लिखा लिखा पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पेमेंट पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। आपको देना साइड में लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ देखिए झारखंड क्लिक कीजिए। झारखंड क्लिक पर उसमें JSSC लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपका आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर से आपको दो ऑप्शन देगा चॉइस करने का, सेकंड ऑप्शन चॉइस कीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद फिर पेमेंट पर क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स पूरा देखिए आपका ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपको यहाँ नेम फिल करना होगा। नेम जैसे फिल कीजिएगा तो आपका जो नेम है वो नेम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका देना साइड में DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहा हूँ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बाद यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर फॉर्म भरने के टाइम में दिए थे। उसके बाद आई एग्री पर यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए सबमिट पर क्लिक किए। उसके बाद जैसे क्लिक कीजिएगा आपको फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे इसमें फिर से आपको दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया है, डेबिट कार्ड UPI, आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए मेरा UPI है, UPI के माध्यम से पेमेंट करना। उसके बाद यहाँ एक QR कोड दिया है, QR कोड पर आप क्लिक कीजिए। QR कोड को क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ QR कोड का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको इस तरफ दिखाएगा। उसके बाद आपको देखिए नीचे पर लिखा हुआ डाउनलोड, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपको डाउनलोड पूरी तरफ से प्रिंट आउट हो जाएगा पेमेंट वाला। उसके बाद आपको यह प्रिंट करके अपने साथ रखिए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के टाइम जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसको रखिएगा। हो सके यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और या नहीं लगा कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक ले जाइए। जय हिंद, जय झारखंड, टाइम इन वॉच।